हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 33 है और बेसिकली इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके फुलफिलमेंट के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलिसी रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गए। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पीरियोडिक सेक्टर लैंडिंग। तो आरबीआई जो भी अपने मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल कर दे यूजिंग दीज मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनको हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी के फीचर्स और मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये हमारे देश के इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है। तो हम इस लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी को भी समझेंगे ताकि हम इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी समझ पाएँ। सो हमारे टॉपिक का जो मेन हेडिंग होगा वो है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब देखिए, हमारे भारत के इकोनॉमिक पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी का जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। यही हमारे देश की ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। अब देखिए, जो हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी है उसे आरबीआई बनाती है। तो हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे आरबीआई बनाती है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मूलेशन कैसे करती है? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो फॉर्मूलेशन है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मूलेशन, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मूलेशन को करती है थ्रू एमपीसी। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं, 3 अपॉइंटेड मेंबर होते हैं। और 3 आरबीआई मेंबर में कौन होते हैं? पहले तो हमारे आरबीआई गवर्नर हो गए, दूसरे डिप्टी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं, तीसरा आरबीआई ऑफिसर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े होते हैं, और 3 अपॉइंटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन आरबीआई करती है, राइट, एंड इट इज़ डन बाई एमपीसी। ओके, और आपको मैं बता दूं, देखिए आरबीआई के अंदर गवर्नर एक ही होते हैं पर डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, ठीक है। और उन चारों डिप्टी गवर्नर का काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का सुपरविजन करते हैं। दे आर द इंचार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, तो यहाँ जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होते हैं, ठीक है। तो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है, आप कह सकते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है। जो फिस्कल पॉलिसी है इसे बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, और यू कैन से दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी बनाती है, ठीक है। और ये देखिए कि जो आरबीआई है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। आरबीआई, हम ये कहते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं,
तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ओके, सो आरबीआई आल्सो कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब समझने वाली बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई करते क्या है। तो व्हाट इज द मेन पर्पज बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू रेगुलेट मनी सप्लाई, टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया। तो एक बार पहले मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव और इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, फिर फिस्कल पॉलिसी को देखेंगे, और इन दोनों के वाइंड अप करते ही हमें इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी समझ में आ जाएगी, और इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इनके आगे लेक्चर्स आएंगे, राइट। तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का जो काम है वो है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज़ टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया। अब सवाल ये है कि आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करना क्यों चाहती है, व्हाई आरबीआई वांट टू रेगुलेट मनी सप्लाई। तो अब हम ये समझते हैं कि मनी सप्लाई का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी पे। देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ने से मतलब क्या है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की जो परचेजिंग पावर है ये रिफ्लेक्ट होती है हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के रूप में, तो हमारे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अब देखिए, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड तो बढ़ गया, पर सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ती है। आप देखिए, किसी भी देश में सप्लाई तब बढ़ती है जब नया फैक्ट्री लगे, उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन होता है, नए इक्विपमेंट मशीनरी, तो प्रोडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय के बाद ही बढ़ता है। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने से जो इमीडिएट इफेक्ट आती है वो आती है डिमांड पे। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो लोगों के एग्रीगेट डिमांड में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर डिमांड बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं बढ़ रही बिकॉज सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है, तो डिमांड बढ़ने से अगर सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस का बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन कहलाता है, यानी हमारे देश में इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये तो मनी सप्लाई बढ़ने का एक इम्पैक्ट है। अब सवाल है कि मनी सप्लाई बढ़ने का दूसरा क्या इम्पैक्ट होता है, वो देखिए कि अगर हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो जो भी फर्म्स हैं, ठीक है, या जो लोग हैं वो उससे कोई ना कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे, और फर्म है तो वो अपनी नई नई प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्री सेटअप करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर सेम थिंग। तो मनी सप्लाई बढ़ने से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इसका मतलब है नई फैक्ट्री, नई इक्विपमेंट, नई मशीनरीज लगेंगी, तो उनके लगने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो और हमारे इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको मेजर कौन करता है, वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, विच इज़ नॉमिनल जीडीपी। तो अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका जो मेजरमेंट जीडीपी है, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। यानी देखिए, जब भी मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब भी मनी सप्लाई जब भी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो डिजायरेबल है, इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना तो डिज़ायरेबल है, ये तो हमारा कह सकते हैं कि ये हमारा डिज़ायर है, वी वांट कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना तो डिज़ायरेबल है, पर इन्फ्लेशन का बढ़ना क्या है, नॉट डिज़ायरेबल, ये हम नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये है
कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो मनी सप्लाई बढ़ानी होगी, तो हम चाहे ना चाहे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो सवाल है कि फिर आरबीआई मनी सप्लाई को इस तरह से रेगुलेट करती है ताकि वो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बना सके। इस बैलेंस बनाने से मेरा मतलब क्या है कि आरबीआई हमेशा मनी सप्लाई को इकोनॉमी में ऑप्टिमल रखने का प्रयास करती है ताकि इन्फ्लेशन चेक में रहे। ऑप्टिमल मनी सप्लाई से क्या मतलब है मेरा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे देश में जैसे कोविड के दौरान आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दी थी, ठीक है, कोविड के बाद, तो होता क्या है कि जब भी हमारे देश में जैसे मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन के बाद भी मनी सप्लाई आरबीआई ने बढ़ाने का प्रयास किया, तो जब भी हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस होता है या अगर मान लीजिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ या हमें रिसेशन जैसी सिचुएशन दिख रही है तो हम मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो इकोनॉमी की जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आरबीआई मनी सप्लाई के रेगुलेशन का डिसीजन लेती है। तो ये जो आरबीआई का डिसीजन है टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा ऑफ आरबीआई। दिस इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा ऑफ आरबीआई। डिलेमा क्यों? क्योंकि आरबीआई को ये डिलेमा होती है कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है या इन्फ्लेशन बढ़ाना है। तो सवाल है कि फिर आरबीआई की ये मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा सॉल्व कैसे होती है? हाउ हाउ आरबीआई डिसाइड कि किस पे काम करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे काम करना है या ग्रोथ पे काम करना है? तो उसके लिए हमें अपने देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना होगा। अब देखिए, अगर मैं इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन की, ठीक है, और ये मैं इंडिया के जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, देखिए इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो हमारे देश में क्या है कि जो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की जो एग्रीगेट डिमांड है ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। और ये जो फीचर होता है ये हर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कहीं ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी पुअर इकोनॉमीज या डेवलपिंग है वहाँ पे सप्लाई साइड कंस्ट्रेन होता है। और वो क्यों होता है, उसके दो रीजन होते हैं। पहला होता है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल, और दूसरा होता है लो इंफ्रास्ट्रक्चर। स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल से मेरा क्या मतलब है कि देश में अगर पैसे की कमी है तो ऑब्वियसली प्राइवेट फर्म्स के पास भी पैसे की कमी होगी, सरकार के पास भी पैसे की कमी होगी। तो सरकार भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, सरकार में भी लिमिटेशन होती है, बिकॉज सरकार को अदर सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर भी देखना है, ठीक है, अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स देखने हैं, लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक मनरेगा, लाइक एजुकेशन सेक्टर को देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन फ्री, स्कूल कॉलेज बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, IITs, एम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रोड, हाईवे, लॉट ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट हैव टू बिल्ड। तो गवर्नमेंट क्या है कि जो भी फैक्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, इन पे लिमिटेड पैसा खर्च कर सकती है, सरकार के पास ही पैसे कम है। और अगर इकोनॉमी में ओवरऑल पैसे कम है तो बैंकों के, पब्लिक के पास भी पैसा कम है, बैंकों के डिपॉजिट कम होगी तो बैंक कम लोन दे पाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में भी कम फैक्ट्रीज खुलेंगी। तो बिकॉज जब भी किसी इकोनॉमी में पैसे की कमी होती है तो वहाँ पे प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्रीज होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमी प्रॉस्पर करता है नई नई प्रोडक्शन यूनिट लगती हैं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिर प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर तो देखिए, बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल और लो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड से काफ़ी कम है। तो हमारे देश में क्या है, एक्सेस ऑफ डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कहीं ज़्यादा है, दिस मीन्स वी एक्सपीरियंस
एक्सेस ऑफ डिमांड। और अगर हमारे देश में एक्सेस ऑफ डिमांड है तो हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ही इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बाय नेचर इन्फ्लेशनरी है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। और अगर ऐसे देश में जहाँ एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, अगर यहाँ पे अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड फर्दर बढ़ जाएगी, और ये ज़्यादा है, अगर मनी सप्लाई बढ़ाने से अगर ये बढ़कर इतना हो गया, अगर ये बढ़ के इतना हो जाएगा तो एक्स डिमांड डिमांड सप्लाई का गैप और बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली इसका जो इम्पैक्ट आएगा, इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे आएगा, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्वेस्टमेंट तो होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट होगा तो मान लेते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिमांड तो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा या वेरी वेरी ओवर इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन। और बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई गॉट द एंसर टू द डिलेमा, ठीक है, जो आरबीआई की डिलेमा थी उनको आंसर मिल गया कि ओके, बिकॉज वी अंडरस्टैंड आर इकोनॉमिक सिचुएशन, वी नीड इन्वेस्टमेंट, बट द मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी प्राइस स्टेबिलिटी, द मेन ऑब्जेक्टिव विल बी प्राइस स्टेबिलिटी। तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, तो वी कैन से दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज प्राइस स्टेबिलिटी। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आप ये समझिए, तो प्राइस स्टेबिलिटी हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब भी बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है तो आरबीआई फिर मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। ओके, इतनी बातें तो हमने देख ली। अब अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ये सिचुएशन अपोजिट होता है, बिकॉज किसी भी देश की अगर इकोनॉमी प्रोग्रेस करते जाएगी तो उसका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, बिकॉज वहाँ प्रोडक्शन यूनिट कंपनीज फॉर्म्स बढ़ती चली जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल नहीं होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ जाता है, तो उन देशों में फिर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ एग्रीगेट सप्लाई उनके डोमेस्टिक डिमांड से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए वो देश दुनिया भर को तलाशते हैं अपना सामान बेचने के लिए। अमेरिका की प्रॉब्लम है कि अमेरिका की एग्रीगेट्स जो उनका टोटल प्रोडक्शन है उनके डोमेस्टिक डिमांड से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए उनको पूरे दुनिया को अपना सामान बेचना है। दैट इज़ वाई दे आर सर्चिंग ऑल द कंज्यूमर इकोनॉमी, कंज्यूमर इकोनॉमी, कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हर डेवलप्ड कंट्री चाहे ब्रिटेन हो, सब चाहते हैं कि यार हमारा सामान कोई खरीदे, बिकॉज हम बना इतना रहे कि अपने देश में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और इंडिया की सिचुएशन देखिए, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है ही, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, ठीक है, इसीलिए हम दुनिया के लिए, हमारा डिमांड इतना बड़ा है कि हम अपनी सप्लाई से पूरा, इसीलिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। और पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया जब हमारा इतना बड़ा गोला देखती है एग्रीगेट डिमांड का, तो उनको लगता है यस, इंडिया इज़ अ वेरी लुक्रेटिव कंट्री, इट्स अ कंज्यूमर इकोनॉमी फॉर अस, ठीक है। तो ये तो हो गया, यानी आरबीआई के डिलेमा सॉल्व हो गई, प्राइस स्टेबिलिटी। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज प्राइस स्टेबिलिटी। अब आप बात समझिए, तो अब तक हमने दो ऑब्जेक्टिव देखा, दो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसी का। पहला, मॉनेटरी पॉलिसी से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनाएं, और दूसरा है कि अगर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या रिसेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ गिरता है उस वक्त हम मनी सप्लाई को बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ता है, फैक्ट्री लगती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो प्राइस स्टेबिलिटी पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई, अगर हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ही इन्फ्लेशनरी है तो आरबीआई फिर प्राइस स्टेबिलिटी कैसे करती है, यानी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है। तो देखिए, आरबीआई मनी सप्लाई को ऑप्टिमल रखने का प्रयास करती है। तो सवाल है कि फिर ऑप्टिमल ऑप्टिमल
मनी सप्लाई का क्या मतलब है? ऑप्टिमल ऑप्टिमल मनी सप्लाई का मतलब है कि आपके इकोनॉमी में या हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है इसके लगभग बराबर रहे। तो यानी हमारे देश में जितना पैसा है अगर उसके वर्थ के बराबर, अगर उस पैसे के लगभग बराबर हमारे देश में प्रोडक्शन भी हो रहा है तो हमारी मतलब तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। बिकॉज़ देखिए लोगों के पास ये जो पैसा है अगर उसके प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन हो रहा है लगभग बराबर है तो फिर इन्फ्लेशन चेक में रहेगा। जबकि अगर मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पर प्रोडक्शन ना बढ़े तो टू मच मनी चेसिंग फ्यू गुड, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आरबीआई मनी सप्लाई को ऑप्टिमल रखती है इतना कि इन्फ्लेशन चेक में रहे, और आरबीआई इन्फ्लेशन को मेंटेन करती है इन द लेवल ऑफ 4 ± 2%। यानी कि मिनिमम इन्फ्लेशन लेवल 2% होना चाहिए और मैक्सिमम 6%। यानी अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे गया या 6% के ऊपर तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। और ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये सरकार डिसाइड करती है और इसका रिवीजन हर 5 साल पे होता है। ठीक है, तो आरबीआई ऑप्टिमल मनी सप्लाई रखने का प्रयास करती है, इन्फ्लेशन लेवल को, इन्फ्लेशन को 6%, 2 से 6% के बीच में रखने के लिए, इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हुए वो जो मनी सप्लाई उनको जो मनी सप्लाई ठीक लगता है वो इकोनॉमी में इंश्योर करते हैं। अब देखते हैं कि मनी सप्लाई का, सॉरी, मॉनेटरी आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की तीसरी ऑब्जेक्टिव क्या होती है, थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि देखिए जो फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब हमारे देश में जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे देश की फाइनेंशियल सेक्टर बनाती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो पब्लिक हैं उनका पैसा इन बैंक्स में जमा है और ये बैंक हमारे इकोनॉमी में लोगों को लोन दे रही हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ये हाउस होल्ड सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट तक मोबिलाइज करने का काम कर रही हैं। अब जो भी हमारे देश में बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक LIC हो गई या अदर लोन ऐप हो गए, ठीक है, मोबाइल लोन ऐप, ये सब आरबीआई के सुपरविजन में होती हैं। यानी हमारे देश में जितने भी बैंक हैं या NBFCs हैं, बहुत सारी NBFC लाइक LIC, इन सबको हमारा आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई के पास इनके पब्लिक डिपॉजिट का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आरबीआई इनकी जो भी लेंडिंग है, जो भी इन्होंने लोन्स दिए हैं वो लोन्स का सुपरविजन करता है। आरबीआई इनके एनपीए का सुपरविजन करता है और आरबीआई गाइडलाइंस भी बनाती है कि कोई बैंक लोन को किस तरह से देंगे। और अगर आरबीआई के नज़र में कोई ऐसा बैंक आता है जिसका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आरबीआई उस बैंक को लोन देने से मना कर सकती है, उसकी लेंडिंग जो है उसको फ्रीज कर सकती है। साथ ही साथ अगर कोई कोई बैंक फाइनेंशियल स्ट्रेस में है तो आरबीआई उसको लोन देती है, ठीक है, उसे संभालती है। तो कहने का मतलब है चूंकि आरबीआई जो भी बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स को मॉनिटर करती है, उनके जो डिपॉजिट्स हैं, उनकी जो लेंडिंग है, जो उनका एनपीए है, और उनके लेंडिंग के लिए गाइडलाइंस बनाती है, बैंकों के टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 4% एज ए CRR आरबीआई रखती है ताकि जब भी कोई बैंक फाइनेंशियल स्ट्रेस में आए तो इस CRR को उसे मतलब वापस करके संभाला जाए, साथ ही साथ और उसे अगर लोन देनी पड़े तो लोन देकर संभाला जाए। तो सारे सुपरविजन का कारण है कि बैंकों को फेल होने से बचाया जाए ताकि फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी बना रहे, ताकि लोगों का बैंकिंग बैंक्स पे कॉन्फिडेंस बना रहे, इकोनॉमी स्मूथली चलती रहे। तो ये तो फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी हो गई। अभी मैंने ऊपर एक बात मैं भूल गया था बताना आपको कि मैंने ये तो बता दिया कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करती है, राइट, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, और मनी सप्लाई को ऑप्टिमल रखती है
उस इन्फ्लेशन टारगेट के हिसाब से। सवाल यह है कि फिर अगर आरबीआई हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, तो आरबीआई के पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? कुछ तो हथियार होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए हथियार जिसके दम पे वो कंट्रोल कर सके। तो यस, आरबीआई के पास हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई टू रेगुलेट टू नाउ टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी आरबीआई हैज फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। पहला होता है, उनके पास होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स या टूल, ये वो हथियार हैं जिनको चलाकर आरबीआई हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। पहला हथियार क्या है? सीआरआर। दूसरा है एसएलआर। इन दोनों को मैंने ग्रीन में लिखा है बिकॉज देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, मैं बताता हूँ। तो पहला हथियार हो गया सीआरआर, दूसरा एसएलआर, तीसरा रेपो रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, पॉलिसी पॉलिसी रेट, ठीक है। तो रेपो रेट हो गया, बैंक रेट बीआर मतलब बैंक रेट, ट्रिपल आर मीन्स रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सीआरआर और एसएलआर हैं, ये डायरेक्टली कंट्रोल, ये दो इंस्ट्रूमेंट हमारे मनी मल्टीप्लायर एम को बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर एम होता है, ये 1/r के बराबर होता है, वेयर आर इज़ द रिजर्व रेशियो, और इस रिजर्व रेशियो की वैल्यू क्या होती है? सीआरआर प्लस एसएलआर के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, पर यहाँ ये समझते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती कैसे है। तो देखिए, मनी सप्लाई क्या होता है? हमारे इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है, वो मनी सप्लाई क्या होती है? जो हमारे इकोनॉमी में बेस मनी है, यानी जितना करेंसी आरबीआई ने इकोनॉमी में इशू किया हुआ है, दैट इज एम नॉट इनटू मनी मल्टीप्लायर। और ये मनी मल्टीप्लायर जो है, ये बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, यानी जो एम नॉट की वजह से जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बन रही है, वो बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो एम है वो 1/r पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए, अगर अगर सीआरआर एसएलआर की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की, इन दोनों की वैल्यू बढ़ाता है, तो रिजर्व रेशियो की वैल्यू क्या है? बढ़ जाएगी। अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो घट जाएगी, और अगर इस फॉर्मूले में मनी मल्टीप्लायर घटता है तो वो क्या करेगा? वो मनी सप्लाई को घटा देगा। यानी कि अगर आरबीआई सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दे तो हमारा मनी मल्टीप्लायर घटेगा, उससे मनी सप्लाई घटेगी। इसके अलावा ये जो पॉलिसी रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट, देखिए पॉलिसी रेट क्या है या रेपो रेट क्या है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। तो अगर मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो बैंक के लिए, बैंक इस रेपो रेट पे जो आरबीआई से लोन ले रही है, तो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आरबीआई को पे करेगी, तो जो वो लोगों को लोन दे रही है, पब्लिक लेंडिंग, उस पे भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब भी पब्लिक लेंडिंग पे इंटरेस्ट बढ़ता है, तो लोग या कंपनीज इंटरेस्ट लेने से कतराते हैं, वो इंटरेस्ट लेना, सॉरी, वो लोन लेना नहीं चाहते, वो लोन लेने से पीछे हटते हैं, बिकॉज दे हैव टू पे हायर इंटरेस्ट। तो और जब भी रेपो रेट बढ़ेगा या बैंक रेट बढ़ेगा, तो इससे क्या है कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट, बैंक रेट ये सब बढ़ाता है, तो बैंकों को पब्लिक लेंडिंग में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़े से पब्लिक के
कि जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, साथ ही साथ बैंकों का भी जो विलिंगनेस है ऑफ लेंडिंग वो भी रिड्यूस होता है बिकॉज इन इंस्ट्रूमेंट के बढ़ने से बैंक की प्रॉफिट। और ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखिए मैंने आपको समझाया था कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचकर बैंकों से पैसा वापस ले लेती है, सिक्योरिटी बेचेगी तो पैसा लेगी, और अगर मनी इन्फ्यूज़ करना है तो सिक्योरिटी खरीद के पैसा दे देगी। तो कहने का मतलब है कि मोटी माटा सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। पर इन सारे टर्म को अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे बस मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है। तो मैंने बोला था कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया, दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, इन इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को ओवरऑल कंट्रोल करती है। पर अगर आरबीआई ये चाहे कि इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को ज़्यादा लोन मिले तो उसके लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है पीएसएल, दिस इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यानी पीएसएल के थ्रू आरबीआई क्या करती है कि हमारे इकोनॉमी में, मतलब हमारे आरबीआई ये तय करती है कि हमारे इकोनॉमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को लोन मिले पर्याप्त मात्रा में। तो पीएसएल, पीएसएल के अंतर्गत क्या होता है कि बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की वजह से एटलीस्ट 40% ऑफ टोटल लोन्स ऑफ अ बैंक मस्ट बी इन प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी कि अंडर द पीएसएल, अंडर द पीएसएल गाइडलाइंस कोई भी बैंक हमारे इंडिया में, जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक है, हर बैंक का मतलब हर बैंक जो भी वो इकोनॉमी में जो भी टोटल लोन दिए हैं, हर बैंक के टोटल लोन का एटलीस्ट 40% प्रायोरिटी सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल है कि आरबीआई इन प्रायोरिटी सेक्टर में एटलीस्ट 40% लोन क्यों दिलवाती है? बिकॉज देखिए प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर वो सेक्टर आते हैं जिनको बैंक लोन देना नहीं चाहती हैं। ओके, पहले मैं बताता हूँ कि वो कौन से इकोनॉमी के एरियाज या सेक्टर हैं जो पीएसएल सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। ठीक है, पीएसएल लैंडिंग में आते हैं, लेट्स राइट देयर नेम, देन वी विल अंडरस्टैंड कि वाई आरबीआई हैज़ टू कंपेल द बैंक टू लैंड दीज एरियाज ऑफ इकोनॉमी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पहला तो आता है एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चरल लोन्स। दूसरा आता है एमएसएमईज, एमएसएमईज का मतलब है मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज। ठीक है, एमएसएमईज। तीसरा आता है आपका एजुकेशन लोन, चौथा आता है आपका हाउस लोन, पांचवा होता है आपका वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन इन सोसाइटी,
छठा हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और सातवां हो गया इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देखिए अब आप बात समझिए कि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से ये सात सेक्टर जो हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, यानी एग्रीकल्चर, जो भी हमारे देश में मीडियम स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, जो एजुकेशन सेक्टर है, जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, वीकर सेक्शन, फूड प्रोसेसिंग और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। देखिए अब सवाल ये है कि बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो पब्लिक का होता है, यानी पब्लिक की जो सेविंग्स होती है बैंक में जाती है, और वो बैंकों के लिए लाइबिलिटी होती है बिकॉज बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दोज डिपॉजिट। तो सवाल है कि फिर बैंक के लिए कुछ एसेट भी होना चाहिए। तो जो बैंक के एसेट होते हैं वो होता है CRR, जो RBI के पास जमा करते हैं 4% ऑफ देयर पब्लिक टोटल पब्लिक डिपॉजिट। 18% पब्लिक डिपॉजिट का उन्हें SLR के फॉर्म में रखना होता है, जिसको वो मोस्टली गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखते हैं। कैश उतना ही रखते हैं जितना विड्रॉवल डिमांड आए, ओके, बिकॉज उनको देखिए जो गोल्ड है उस पर कैपिटल गेन होता है, जो G-Sec है उस पर उनको बॉन्ड यील्ड या इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और आप बात समझिए कि जो तीसरा बैंक के लिए एसेट है वो है लोन्स, यानी पब्लिक को तो उनको जो पब्लिक लाइबिलिटी उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बैंक का जो एसेट है, जो मेन एसेट है उनका, वो है लोन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम CRR SLR द मेन एसेट इज द लोन्स। तो सवाल है कि अगर बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी उनके लोन्स पे डिपेंड करते हैं, तो बैंक किसको लोन देना चाहेंगे? उन लोगों को लोन देना चाहेंगे जो लोन के रीपेमेंट कर सकें, ठीक है, और लोन का रीपेमेंट कर वही कर सकते लाइक वेल्दी इंडिविजुअल्स, लाइक हाई नेटवर्थ कंपनीज, ठीक है, या ऐसी कंपनीज जिनके पास जो एसेट हो वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, हाई वैल्यू कंपनीज। तो सवाल, अगर बैंकों को फ्री छोड़ दिया जाए इकोनॉमी में, तो फिर वो इकोनॉमी के जो गरीब लोग हैं उनको लोन नहीं देंगे। जो इकोनॉमी में छोटी मोटी कंपनीज हैं, छोटे मोटे जो 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 मीडियम स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, उनको लोन नहीं देंगे, ठीक है, तो और जो स्टूडेंट्स हैं इनको लोन नहीं देंगे बिकॉज उसकी जॉब लगे ना लगे, हाउस लोन, ठीक है, और जैसे कि एग्रीकल्चर, अगर किसी किसान को लोन चाहिए, अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करना चाहता है लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, लाइक फिशरीज, व्हाटएवर, तो सवाल है कि इन लोगों को बैंक्स लोन नहीं देना चाहते बिकॉज बैंक को होता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो RBI PSL के थ्रू बैंकों को ये कंपेल करती है कि वो इन एरियाज़ में लेंडिंग करें, और किसी भी बैंक के टोटल लेंडिंग का एटलीस्ट 40% इन एरियाज़ में होना चाहिए, लाइक एग्रीकल्चर लोन, MSME, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, वीकर सेक्शंस को लोन मिलना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। तो देखिए RBI अपने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, पर साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से RBI मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। ओवरऑल रेगुलेशन, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इन स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मनी सप्लाई इज रेगुलेटेड बाई PSL लेंडिंग, ओके। अब सवाल है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी के तीन ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। पहला मेन ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी एंड ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड इज फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी। लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है इज टू रेगुलेट द फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, टू रेगुलेट दी फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। फॉरेक्स एक्सचेंज रेट से क्या मतलब है मेरा? देखिए सबसे पहले फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसीज, ठीक है। तो RBI इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया, ठीक है,
और आरबीआई जो फॉरेक्स का जो भी रेगुलेशन या मैनेजमेंट है वो करती है थ्रू फेमा एक्ट 1999। फेमा एक्ट फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उस एक्ट के तहत आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। ओके, इट मेंटेन द एक्सचेंज फॉरेक्स एक्सचेंज रेट एंड इट गिव्स पावर टू आरबीआई कि वो जो भी जो आरबीआई के डेजिग्नेटेड डीलर्स हैं दे कैन डील इन द फॉरेक्स। लाइक जो भी डॉलर का सेल परचेज है या तो वो आरबीआई के थ्रू होगा या तो आरबीआई के डेजिग्नेटेड डीलर्स के थ्रू होगा। तो इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व को लेकर जो भी रूल जो भी रेगुलेशन है जो भी मैनेजमेंट है उसे आरबीआई करती है। ठीक है, अब सवाल ये है, अब आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई फॉरेक्स एक्सचेंज रेट को कैसे रेगुलेट करती है। देखिए, से फॉर एग्जांपल अगर हम रुपी डॉलर की मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करें, से फॉर एग्जांपल अगर हमें रुपी डॉलर का मार्केट एक्सचेंज रेट को अगर रेगुलेट करना है तो इसको कैसे आरबीआई करती है। देखिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 4 या 5 में बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि जो भी हमारा रुपये डॉलर का मार्केट एक्सचेंज रेट है ये कैसे तय होता है। वहाँ मैंने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, ठीक है, डॉलर के डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो यहाँ बस मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जो भी रुपये डॉलर मार्केट एक्सचेंज रेट है वो इस तरह से बनते हैं कि हमारे इकोनॉमी में जो भी डॉलर की डिमांड है और जो भी डॉलर की सप्लाई है ये जहाँ मीट करते हैं वो डॉलर की प्राइस होती है, यानी 1 डॉलर की उतनी प्राइस होती है इन टर्म्स ऑफ रुपी। अगर मैं आज की बात करूँ तो 1 डॉलर की वैल्यू है 80 रुपीज़, ठीक है, यानी प्राइस ऑफ डॉलर इज 80 रुपी। ठीक है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ करेंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट इन इंडिया। ओके, इन इंडिया मार्केट। अब सवाल यह है कि देखिए, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है यानी अगर 1 डॉलर खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपी पे करना पड़ रहा है यानी कि हमारा रुपी जो है वो डेप्रिसिएट कर रहा है, और अगर रुपी डेप्रिसिएट करता है तो देखिए होता क्या है कि कोई भी देश, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इम्पोर्ट में क्या करते हैं कि हम बाहर की दुनिया से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, सो वी बाई गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हम दुनिया को अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। तो इम्पोर्ट से इम्पोर्ट क्या है हमारा, इम्पोर्ट हमारा एक्सपेंडिचर है, और एक्सपोर्ट से हमें क्या होती है, रेवेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे होती है एक्सपेंडिचर। अब आप समझिए कि जब भी रुपये डेप्रिसिएट करेगा, और मान लीजिए अगर हमारा इम्पोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर अगर रुपी डेप्रिसिएट कर जाएगा तो हमारा इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट से होने वाले रेवेन्यू से कहीं जानी, हमारी एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगी। ओके, तो अगर मान लीजिए हमारा रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है तो उसको अगर रोकना है तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इकोनॉमी में डॉलर को इन्फ्यूज़ कर देगी। तो अगर आरबीआई इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी तो अगर डॉलर का डिमांड बढ़ने से जो प्राइस बढ़ा था सप्लाई बढ़ने से क्या है, प्राइसेस गिर जाएंगी। तो जब भी डॉलर का डिमांड बढ़ता है यानी रुपये डेप्रिसिएट करता है तो आरबीआई डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर रुपये के डेप्रिसिएशन को रोक देती है, कम कर देती है, और जब भी डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और अगर रुपये अप्रिसिएट करने लगता है तो आरबीआई डॉलर को सकआउट करके उसके रुपए के अप्रिसिएशन को भी चेक करती है। ओके, यानी जो भी डॉलर के डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में है उनको रेगुलेट करती है आइदर बाय इन्फ्यूजिंग डॉलर और बाय सकिंग आउट डॉलर। ठीक है, और इस तरह से रुपए के डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन को वो कंट्रोल करती है। देखिए, रुपए का डेप्रिसिएशन प्रॉफिटेबल तब होता है जब हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा हो। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो रुपये डेप्रिसिएट करेगा तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी, यू आर अर्निंग मोर देन वाट यू आर एक्सपेंडिंग। ओके, बट डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इज वेरी डेंजरस व्हेन योर इम्पोर्ट इज हायर देन योर एक्सपोर्ट। ये सब चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी जैसे हम इन पे आगे जाके डिटेल लेक्चर्स लेंगे। तो आप यहाँ पे समझिए कि
मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट ये भी होता है दैट आरबीआई रेगुलेट्स द फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। तो जो भी रुपये डॉलर का मार्केट एक्सचेंज रेट है उसको आरबीआई रेगुलेट करती है बाय कंट्रोलिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर इन इंडियन मार्केट। अब पांचवा ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। लेट्स अंडरस्टैंड द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब सवाल यह है कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कैसे इंश्योर करती है, कैसे अफेक्ट करती है। देखिए, अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा दे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए कि जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, नई फैक्ट्री लगेंगी। जब भी नई फैक्ट्री या नए प्रोडक्शन यूनिट लगेंगे तो उसमें तो जॉब चाहिए ना, तो जॉब क्रिएशन होगा। तो जब भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो जॉब बढ़ेंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से, जैसे मान लीजिए, अगर बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो बैंकों के ऊपर 40% का कंपल्सन है, अगर एग्रीकल्चर लोन देती हैं बैंक बिकॉज ऑफ पीएसएल, तो उससे कोई व्यक्ति पोल्ट्री फार्मिंग फिशरी, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है। और मान लीजिए जो एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन अगर मिलेगा इजिली एट लोअर इंटरेस्ट रेट, तो होगा क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन करेंगे, ज़्यादा इंजीनियर्स निकलेंगे, इनोवेशन होगा, स्टार्टअप होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर बिकॉज ऑफ पीएसएल एमएसएमईज को लोन इंश्योर होता है, तो अगर हमारे देश में मीडियम स्मॉल जो भी इंटरप्राइजेज, अगर इनको लोन मिलेगा तो वो एक्सपेंड करेंगे, नए नए एमएसएमईज खुलेंगे, उनका जो रूटीन एक्सपेंडिचर है, उनका एक्सपेंशन जो है वो फुलफिल हो पाएगा। तो और एमएसएमई जो है ये हमारे देश में मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती हैं, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है पीएसएल लेंडिंग की वजह से, बट इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी अफेक्ट करती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके, एंड में रिवाइज करेंगे। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द फिस्कल पॉलिसी। तो अब हमने क्या किया, हमने मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे आरबीआई बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, यानी मनी सप्लाई को या तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है। मनी सप्लाई को बढ़ाने घटाने के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहला, ओके, लेट्स रिविजन कर ही लेते हैं, देन वी विल गो टू। देखिए, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं, पहला मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है आरबीआई। आरबीआई के अंदर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है थ्रू एमपीसी। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 मेंबर होते हैं, इनको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम होता है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि आरबीआई या तो मनी सप्लाई बढ़ा सकती है या घटा सकती है। मनी सप्लाई के बढ़ने के क्या इम्पैक्ट होते हैं वो हमने देख लिया। अब हमारे इकोनॉमी की सिचुएशन इन्फ्लेशनरी है, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी होता है। बट वेन एवर वी फेस इकोनॉमिक स्लो डाउन, वी इंक्रीज मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। और हमारी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल एंड लो इंफ्रास्ट्रक्चर। आरबीआई को इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 4%± 2%, दैट इज 2% से 6%, दिस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। इफ इट फेल्स, मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स। ऑप्टिमल मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि इकॉनमी में उतना पैसा होना चाहिए जितना इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मनी सप्लाई को आरबीआई रेगुलेट कैसे, कंट्रोल कैसे करती है। तो कंट्रोल करती है थ्रू सर्टेन इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई को अगर कम करना है या बढ़ाना है, तो उसके लिए सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट,
रिवर्स रेपो रेट, OMO, MSF, ये सब हैं। अगर इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई घटाना बढ़ाना है तो वो PSL के थ्रू होता है, और PSL इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, PSL इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बिकॉज ऑफ एजुकेशन लोन, बिकॉज ऑफ लोन टू MSMEs, बिकॉज ऑफ लोन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज ऑफ लोन टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। बिकॉज देखिए, बिना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। साथ ही साथ आप इस बात को समझिए कि तो ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गए, ऑल राइट। चौथी ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का होता है कि जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज रेट है इनको रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, यानी जो भी रुपये डॉलर या रुपये का किसी और फॉरेन करेंसी के साथ जो भी मार्केट एक्सचेंज रेट है वो नियंत्रित रहे, स्पेशली रुपये डॉलर। और रुपये का डेप्रिसिएशन फायदेमंद नहीं होता है जब हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, और अगर हम रुपये का डेप्रिस चेक नहीं करेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाएगा या हमारा डॉलर का आउटफ्लो इतना हो जाएगा कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी मतलब हमारे पास डॉलर बचेगा ही नहीं, फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं बचेगा दैट हम लॉन्ग टर्म अपना जो इम्पोर्ट है उसको सस्टेन कर सके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगी। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो एक तो ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ा दो ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, तो नई फैक्ट्री तो एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है PSL के थ्रू। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए, मैं फिस्कल ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए आपके दिमाग में ये आ सकता था, अगर मैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव और फीचर्स पढ़ाता तो आपके दिमाग में ये आता है कि अगर हमारे देश में RBI ही, अगर आपको ये लगता है ना कि RBI सब कुछ कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या प्राइस स्टेबिलिटी RBI कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी RBI इंश्योर कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी RBI इंश्योर कर रही है थ्रू इट्स सुपरविजन, PSL लेंडिंग या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी RBI इंश्योर कर रही है, फॉरेक्स को भी रेगुलेट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई सरकार क्या कर रही है। RBI एज ए सिंगल यूनिट जब पूरा देश ही चला रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से लेके ग्रोथ से लेके फाइनेंशियल सेक्टर से लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ तो RBI कर रही है, देन वॉट इज गवर्नमेंट डूइंग? तो ऐसा नहीं है, RBI जो कर रही है वो इम्पोर्टेंट है, पर जो गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी से करती है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा, सॉरी यहाँ हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मॉनेटरी पॉलिसी, आई बिलीव इट, बिकॉज देखिए होता क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर दैट पहले हम ये समझते हैं, पहले फिस्कल पॉलिसी समझाएं, लेट्स गो फॉर द रीजनिंग। पहले हम ये समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम है, लेट्स अंडरस्टैंड हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है। हमारे देश की प्रॉब्लम है पावर्टी, हमारे देश की प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो हमारे देश की पहली प्रॉब्लम है पावर्टी, दूसरी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर या लो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आप हर्ट मत होइएगा, मैं इंडिया को मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी लो है, लाइक रोड्स, हाईवे और बाकी जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड एयरवेज, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लो है, पुअर तो नहीं कह सकता, पुअर तो नहीं है, पर आप कह सकते हैं कि अभी लो है या मॉडरेट है, सो
इंस्टेड ऑफ पुअर यू कैन से लो है। तो पावर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, लो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आता है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर फिर आता है छठा हेल्थ सेक्टर। सातवां होता है आपका सैनिटेशन, सैनिटेशन प्रोग्राम्स। आठवां है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। ये देखिए, ये जो वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको लार्जली गवर्नमेंट डील करती है। देखिए, पावर्टी, पावर्टी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम चलाती है, वो है पावर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो पावर्टी को अगर एलिमिनेट करना है तो सरकार ने उसके लिए प्रोग्राम्स चलाए, पावर्टी एलिविएशन, पावर्टी एलिविएशन एंड पावर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी गरीबी, गरीबी को कम करना है, गरीबी हटाना है और रोजगार बनाना है। एग्जाम्पल क्या होगा? मनरेगा। मनरेगा, मनरेगा का मतलब क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और मनरेगा के अंदर हमारे देश में जो भी पुअर हाउस होल्ड हैं, हर पुअर हाउस होल्ड के कम से कम एक मेंबर को सरकार 100 दिन की रोजगार गारंटी देती है। ठीक है, मनरेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सब्सिडीज़, ठीक है, सब्सिडीज़, वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज़। तो देखिए, पावर्टी को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए सरकार ने मनरेगा लाया, PDS, सब्सिडीज़। मनरेगा की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होती है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स रिबेट्स देती हैं कॉरपोरेट को, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती हैं, ठीक है, काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए सरकार एजुकेशन और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, जैसे हैवी इंडस्ट्री सेटअप करना, जो भी पुअर बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना, ठीक है, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेस हैं उनके हिसाब से। तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करने का काम करती है। इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार रिडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स का इस्तेमाल करती है, लाइक कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर सब्सिडीज या वेलफेयर पेमेंट है, ठीक है। और इनइक्वालिटी देखिए एक ऐसी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती है, ठीक है, अगर पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस भी इंश्योर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रोड, हाईवे, कैनाल्स और एयरवेज को सपोर्ट करती है, रेलवेज और बहुत सारी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़, फ्री स्कूल्स, कॉलेजेस बनाना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना। और हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लॉट ऑफ टेस्टिंग सेंटर्स और लॉट ऑफ मेडिकल कैंप। सैनिटेशन में ओके, लॉट ऑफ लाइक ड्रेनेज और बहुत सारा सैनिटेशन, लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, नल जल योजना एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वीमेन एम्पावरमेंट मीन्स महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो सरकार जब लाइक मनरेगा, PDS, सब्सिडी और जो भी सरकार के अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं, और भी जो सरकार इन सारे एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए जो सारा पैसा खर्च करती है उसको बोलते हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। इन सारे चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए, इन सारे चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए या इन सारे प्रोग्राम्स पे और इन सारे और बहुत सारा वेलफेयर पेमेंट, लाइक विडो पेंशन, ओके, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन एंड फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिसेबल पीपल, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें। तो ये सारा कुछ सरकार का जो होता है इसको हम बोलते हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स, ये सब सरकार की होती हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर।
अब सवाल है कि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर से सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स इज इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट और वी कैन से दैट सोशल वेलफेयर। सरकार का एक ही काम है ना देश में, सोशल वेलफेयर। ओके, लोगों का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, देश को डिफेंड करना, ठीक है, देश का डिफेंस मेंटेन करना, देश का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन सोशल वेलफेयर। ओके, तो देखिए इन सारे चीज़ों पे जो भी सरकार पैसे खर्च करती है उन सबका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब लोगों के वेलबींग को बढ़ाना, और अगर लोगों की वेलबींग बढ़ रही है तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो सवाल है कि फिस्कल पॉलिसी, अब सवाल है कि फिर फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत आ रहा था मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, उसी तरह से, और हाँ ये एग्जांपल्स देने के पीछे देखिए कारण क्या था, व्हाई आई एम गिविंग। अगर आपको ये लग रहा था कि आरबीआई जो चीज़ें कर रही है वो बहुत ज़रूरी हैं, तो सवाल है कि सरकार भी तो इतनी सारी चीज़ें कर रही है। इसके साथ सरकार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, मिलिट्री, मतलब जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं या हमारे देश को एक्सटर्नल जो हमारे नेबर्स हैं, एक्सटर्नल कंट्रीज़ हैं, उनसे डिफेंड करना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फिर ये सारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो ये सब इक्वली ज़रूरी हैं, या आप ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ये सब देश के ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम, दीज आर द लार्जर प्रॉब्लम्स, और इनको सरकार इम्प्रूव करने का, ठीक करने का काम करती है, इनको मॉनेटरी पॉलिसी भी इम्प्रूव करती है, देर इज़ नो डाउट। सो बोथ द पॉलिसीज आर इम्पॉर्टेंट। तो हम ये समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के क्या कॉम्पोनेंट होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी के दो कॉम्पोनेंट होते हैं। पहला होता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, दूसरा होता है रेवेन्यू पॉलिसी। फिस्कल जो सरकार, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, उसमें उसके फिस्कल पॉलिसी के दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी, और दूसरा होता है रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, अब सवाल है एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं सिर्फ एक, जो मैंने अब तक ऊपर सारी बातें एक्सप्लेन की उनको मैं सीधे लिख देता हूँ, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। ठीक है, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर यानी कि फिर से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ओके, लेट्स हैव अ रिकैप। देखिए गरीबी हटाना, रोजगार देना, इनइक्वालिटी कम करना, यानी कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, एजुकेशन, हेल्थ, अगर हम अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल बना दें, तो गरीबों को भी फ्री एजुकेशन, मेडिकल एक्सेस मिलेगा, सैनिटेशन मिलेगा, तो इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। और बाकी इनइक्वालिटी रिड्यूस करना है तो पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट आर द मेजर थिंग टू रिड्यूस। तो देखिए ये जितना भी एक्सपेंडिचर था, सड़क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, रोड, हाईवे, कैनाल्स, एयरवेज, रेलवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सारे चीज़ों पे जो पैसा खर्च होता है उसको हम बोलते हैं सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। तो सवाल है कि फिर इन पे सरकार पैसा अगर खर्च कर रही है तो सरकार के पास कहीं से पैसा आना भी चाहिए। अगर सरकार कहीं से पैसे कमाएगी तभी तो सरकार खर्च कर सकती है। तो सरकार के रेवेन्यू तो ये तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो गया कि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, मतलब सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी इसको लिख सकते हैं, बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स इन साइड इट। ठीक है, तो सरकार के जो भी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर के पॉलिसी हैं उन पे सरकार खर्चा होता है। सरकार की रेवेन्यू कहाँ से आती है? मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट कम फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है,
अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देगी तो सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, देन अदर सोर्स ऑफ इनकम इज डायरेक्ट टैक्सेस, जो भी पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स है CIT, पर्सनल इनकम टैक्स PIT, और जो भी प्रोफेशनल टैक्स है सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं लाइक GST, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये दो गवर्नमेंट के सोर्स हैं। तीसरा जो सोर्स है वो है PSU का डिस इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट। देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, PSUs मतलब कोई भी जो सरकार की कंपनी है, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसको सरकार ने बनाया और उस कंपनी की जो इक्विटी हक उसको सरकार 100% ओन करती है, ठीक है। लेकिन अगर सरकार अपनी इक्विटी बेचती है, मान लीजिए सरकार ने अपनी 20% इक्विटी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, तो 20% इक्विटी बेच के जो सरकार के पास पैसा आया वो सरकार की, आप कह लीजिए कि एक तरह से गवर्नमेंट हैज़ गॉट द मनी। अभी भी वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी, वो PSU एग्जिस्ट करेगी, सरकार का अभी भी 80% इक्विटी है, गवर्नमेंट विल बी दी ओनर। पर डिस इन्वेस्टमेंट, जो 20% इक्विटी बेच के पैसा मिला, उस पैसे को अब सरकार कुछ और कामों में खर्च कर सकती है, अपने एक्सपेंडिचर पॉलिसीज के ऊपर खर्च कर सकती है। तो PSUs का डिस इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि PSU गायब हो जाएगा, वो भारत में ही रहेगा, उसमें रोजगार रहेगा, बस ये है कि सरकार ने अपनी इक्विटी बेचकर उससे पैसे कमा लिया, ठीक है। और चौथी जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो होती है बारोइंग्स, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल बारोइंग दोनों करती है। इंटरनल बारोइंग अगर हमें अपने ही देश में अगर सरकार को उधारी लेना है तो सरकार करती क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये करती क्या है कि RBI को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। RBI उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट में बेचता है। बैंक्स बिडिंग करते हैं, जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको सिक्योरिटी बेच दी जाती है, और वो जितना हाईएस्ट बिड किया होता है वो सरकार को पैसे मिल जाते हैं। फिर उस पैसे से सरकार अपना एक्सपेंडिचर पॉलिसी फुलफिल करती है, और जिस बैंक ने जिसे खरीदा है उसका जो बिडिंग प्राइस था और जो जिसेक पे प्राइस है उसके बीच का जो गैप है उसको इंटरेस्ट यील्ड या बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ये वो उस बैंक का मुनाफा है, ठीक है। अब देखिए, और सरकार के जो भी सारे इंटरनल बोरोइंग्स हैं उन सबको RBI देखता है, RBI ही मैनेज करता है। साथ ही साथ अगर सरकार IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती तो वो भी RBI के थ्रू होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ये रेवेन्यू है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, PSU डिस बोरोइंग्स। तो इस तरह से सरकार पैसे कमाती है और सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं वो सरकार का खर्चा है। अब सवाल है कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी दिखती कहाँ है। तो सरकार की फिस्कल पॉलिसी रिफ्लेक्ट होती है गवर्नमेंट के बजट से। ओके, जो गवर्नमेंट की बजट होती है, तो लेट मी राइट इट हियर, फिस्कल पॉलिसी इज रिफ्लेक्टेड इन द बजट ऑफ गवर्नमेंट। और बजट को कौन पेश करता है, तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये लोकसभा में बजट पेश करते हैं। तो जो हमारा बजट होता है उसके लार्जली दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। तो बजट में क्या होता है कि अगर सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना है तो जो कुछ कमोडिटीज़, कुछ सर्विसेज पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती हैं, लाइक लग्जूरियस आइटम्स जो हैं उन पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती हैं, और जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है लाइक टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल, इन पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती हैं। अगर सरकार को कॉरपोरेट इनकम टैक्स बढ़ाना है या डिविडेंड टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ा सकती हैं, ठीक है। और PSUs का डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर उनके क्या प्लान प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स को लेकर क्या हैं, तो वो रेवेन्यू पॉलिसी में डिक्लेयर करते हैं। और जो एक्सपेंडिचर, वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स की, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को क्या डिमांड ऑफ ग्रांट मिलना है वो सब उनके पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, तो वो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो सरकार के बजट के ये दो हिस्से होते हैं। अब देखिए, बजट को हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम बजट बोलते हैं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो टर्म अवेलेबल है वो है एनुअल, एनुअल फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है।
तो जो बजट हम पेश मतलब जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, पर इन लूज टर्म्स दैट इज कॉल्ड बजट। और बजट में यही दो मेन एरियाज होते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट विच आर अगेंस्ट द एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। लेकिन देखिए, ये तो मैंने फिस्कल पॉलिसी की मोटी मोटी बात बताई है, पर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक एक काफ़ी काफ़ी लेंदी मतलब काफ़ी लेंदी होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, इट्स ए ह्यूज बजट। और उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, ठीक है, और जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। यहाँ मैं बस इंडिया के इकोनॉमी का, आपको इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ओवरव्यू देना जा रहा था, ताकि आगे जो भी मैं मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में पढ़ाऊँ, जब इसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊँ और मॉनेटरी पॉलिसी को जब फर्दर जब हम इनकी एनालिसिस करें, तो आपको ये ना लगे कि यार सब कुछ आरबीआई कर रही है। तो देखिए, देश में देश की सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, और देश की सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है उनके बजट से पता चलता है, और बजट में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू ये दो चीज़ों के रिगार्डिंग उनकी ढेर सारी डिक्लेरेशंस होती हैं। वो बताते हैं कि इस साल एक्सपेंडिचर्स या डिमांड ऑफ ग्रांट्स किसको क्या मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, पिछले साल क्या मिला था, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंदर आता है, फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल जिन इंस्ट्रूमेंट से करती है वो हमने एग्जाम्पल्स देखे। ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी टू रेगुलेट फॉरेक्स एक्सचेंज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वेयर एज फिस्कल पॉलिसी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, लो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वीमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल अदर टाइप ऑफ वेलफेयर पेमेंट, वेलफेयर सिचुएशंस, ऑल सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स सब सरकार चलाती है, और इन सब पे सरकार का खर्चा आता है वो एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंदर, और जो सरकार के रेवेन्यू होती है वो इनके अंतर्गत आती है। और इस तरह से हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, इस तरह से हमारा देश चल रहा है, इस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, और आज हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। इंडिया की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और हमेशा से इम्प्रूव हो रही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के ये जो भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम वन बाय वन विद एग्जांपल डिटेल में पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।